मौत की चपेट में आ गए हैं। कई जगह कई दुर्घटनाएं हुई है। राजस्थान के कई इलाकों में ऐसी जगह है जहां मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, कोहरे लगातार छाए हुए हैं। के सिंह सर्दी के दौरान बीकानेर के लोगों से उनकी राय जानी है और सर्दी के सितम को लेकर बातचीत की है, आइए देखते हैं। बीकानेर में पिछले 5 सालों से भी सबसे ज्यादा ठंड अब देखने को मिल रही है और इतनी तेज ठंड है कि लोग घर घर में अलाव का सहारा लिए हुए हैं और इस ठंड के चलते, तेज ठंड के चलते यह अलाव है जो एक तरह से राहत दिलाने का बड़ा काम करता नजर आ रहा है। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, हम लोगों से बात करना चाहेंगे, आप बताएं क्या कहेंगे। बीकानेर में कई सालों बाद ऐसी ठंड देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है, ठंड की वजह से परमानेंट इलाज तो अभी है नहीं, ये आग चला की काम निकाल रहे हैं। पर क्या कहेंगे आप, कई सालों बाद बीकानेर में जबरदस्त सर्दी का और इस समय घेवर रेवड़ी गजक यही में है और बीकानेर वासी है ना, इस ठंड का मजा ले रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं। लेकिन ठंड कैसी है, जबरदस्त अलाव वाली ठंड है, हाथ गर्म गर्म कमाने वाली ठंड है, गलन हो रही है। हाँ बिल्कुल गलन हो रही है। अरे बीकानेर मैंने तो 15-20 सालों में इतनी ठंड पहली बार देखी। देखिए बच्चों की मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूल की छुट्टियां बढ़ गई है, बच्चों के लिए खुशी की बात है, इनका क्या कहना है। हमारे कलेक्टर अंकल मारपाल गौतम की वजह से छुट्टी आगे बढ़ गई है और सर्दी अब आपको इतनी ठंड में जाना नहीं पड़ेगा। देखिए ट्रकर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या काम करते हैं। कैसी ठंड है, जबरदस्त ठंड है, पूछो हर 5-7-10 महीने बाद में नीचे उतर के हाथ गर्म करते हैं, हर 10-15 मिनट हाथ और पैर की अंगुलियां दोनों काम करने बंद कर देती है 10-15 मिनट बाद। कुल मिला के जोरदार जोरदार जबरदस्त, कई सालों बाद ऐसी ठंड। देखिए बीकानेर में कई सालों बाद ये ठंड देखने को मिली है और लगभग टेम्परेचर है वो लगभग 0 के आसपास नजर आता दिख रहा है और खास तौर पर जो बॉर्डर पर जो जवान रह रहे हैं वहां पर तो और भी ज्यादा माइनस पे भी पारा जाता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि अभी ये ठंड और पड़ेगी और नए साल जो कि 2020 है उसमें एक तरह से बहुत बड़ा स्वागत है इस ठंड के जरिए। KK सिंह, सहारा समय, बीकानेर।